प्रयागराज जनपद के अंतर्गत थाना नवाबगंज और क्राइम ब्रांच की टीम ने एक सराहनीय कार्य करते हुए एक नकली नोट सप्लाई करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है, जिसके अंतर्गत दो अभियुक्त राजेंद्र और अजय को गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से करीब 6.5 लाख रुपए के नकली नोट बरामद किए गए हैं। आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। जी, ये राजेंद्र का इसके पहले का भी आपराधिक इतिहास रहा है, वो इन्हीं धाराओं में पहले भी जेल जा चुका है। और अभी इनिशियल जानकारी ये मिली है कि ये प्रतापगढ़ और कुछ अन्य जगहों से सप्लाई चेन से नोट हासिल करते थे और उसे लोकल मार्केट में खपाने की कोशिश करते थे। इनके विभिन्न पहलुओं की जाँच की जा रही है, जिससे आगे आपको अवगत कराया जाएगा। त्योहारों के सीज़न में चूंकि नगद ट्रांजैक्शन ज़्यादा होता है, तो मुझे लगता है कि ये वो सीज़न है जब नकली नोटों का प्रवाह ज़्यादा हो जाता है, तो इस संदर्भ में भी देखा जा सकता है इसको।